नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। पिछले 7 महीने से चल रहे कोरोना काल में अनेक लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बेघर हो गए, लोगों को भूखे रहने की नौबत आ गई है। रोज रोजी रोटी कमाकर अपना पेट पालने वाले मजदूर घर परिवार छोड़कर दूसरे शहरों में काम करने के लिए जाते हैं और अपना परिवार संभालते हैं। लेकिन अचानक हुए इस लॉकडाउन में आम जनता परेशान हो गई। हजारों किलोमीटर काम के लिए निकले मजदूर अब बेघर हो गए, उनके काम चले गए, खाने पीने के लिए मोहताज हो गए। ऐसे में कई लोगों ने अपनी तरफ से जो बन पड़ता है वो सब किया, लोगों की मदद की, उनकी सहायता की, उनकी खाने पीने की और रहने की व्यवस्था भी की। यहाँ तक मजदूरों को उनके गांव जाने के लिए बसों की व्यवस्था कर दी। इन्हीं में से एक हमारे प्रिय सरबजीत सिंह भाटिया और उनकी भाटिया फैमिली ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। एडिशनल सीपी नीलेश भरने के सहयोग से पूरे भाटिया परिवार और भाटिया फार्म्स की टीम ने मिलकर अपने कामठी रोड स्थित भाटिया फार्म को शेल्टर होम में तब्दील किया था और अपने तरफ से जो बन पड़ा वो सब किया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, उनके रहने की व्यवस्था की, यहाँ तक कि उनके चेकअप की भी व्यवस्था की गई थी। यहाँ तक उनको अपने अपने घरों तक सुव्यवस्थित पहुँचाने का कार्य इन्होंने किया। तकरीबन 25,000 लोगों को बस और ट्रक के माध्यम से उनको उनके घर तक पहुँचाने का कार्य इन्होंने किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, आप सभी को विश्व में जितने भी नाम लेवा सिख रहते हैं, आप सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु नानक देव जी ने हमें जीवन जीने के लिए बहुत सारी सिखिया दी। उसमें से एक सिखिया ये थी कि जब भी हम किसी ज़रूरतमंद को देखें तो हम उनकी सहायता के लिए अपने से जो बन सकता है वो ज़रूर करें। जैसा कि आप सारे ही जानते हो कि देश इस समय कोरोना की महामारी से ग्रस्त है। पिछले दिनों हमने देखा कि हम नागपुर में रहते हैं और नागपुर इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है, तो जो मजदूर भाई अपने गांव से शहरों के तरफ काम करने गए थे, उन्होंने कोरोना को देखते हुए वापस अपने घर को जाना चाहा, लेकिन साधन ना मिलने के कारण वो पैदल ही चल पड़े और नागपुर में एक हुजूम सा देखने को लगा, क्योंकि हर तरफ से मजदूर यहाँ पहुँचने लगे। प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई थी वो बहुत कम पड़ी थी, तो उसको देखते हुए ना उनके पास में रहने की जगह, ना खाने की कोई जगह, ना कुछ उनके सहयोग की कोई चीज़ दिख रही थी। उस समय हमने अपनी पूरी भाटिया परिवार, भाटिया फार्म्स की टीम के साथ मिलकर और एडिशनल सीपी नीलेश भरने सर के सहयोग से, उनकी गाइडेंस से, हमने हमारे कामटी रोड स्थित भाटिया फार्म्स को शेल्टर होम में तब्दील किया और अपने तरफ से जो बन सका, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके वहाँ पे चेकअप की व्यवस्था, ये सारी कराई और तकरीबन 25,000 मजदूरों को बस, ट्रेन और ट्रकों के माध्यम से उनके घर पहुँचाया। हमको ऐसा लगा कि हमने एक बहुत छोटा सा प्रयास गुरु नानक के चरणों में समर्पित किया, उनकी सीख को अपना के। उस समय मैं आप सभी से यही बेनती करता हूं कि जब कभी भी आपको ऐसा मौका मिले, आप ज़रूर इस सेवा को निभाएं और गुरु नानक की खुशियों को प्राप्त करें। आखिर में फिर से मैं सरबजीत सिंह भाटिया की तरफ से, भाटिया परिवार की तरफ से, भाटिया फार्म्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सरबजीत सिंह भाटिया और उनके पूरे परिवार को इस विश्वसनीय काम के लिए और उनके जज्बे के लिए हमारी पूरी तत्काल न्यूज टीम की तरफ से ढेर सारी बधाइयां।